हेलो दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे बहुत मुबारक हो। और आज हो गई है इंडिपेंडेंस डे की शाम, और ये व्यू है हमारे घर के पास के मॉल का, जहाँ मैं गई थी अपनी मम्मी को लेके आज शाम को। और यहाँ पे देखिए कितनी खूबसूरत काइट से सजावट की गई है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे की होती है ऑफिशियली छुट्टी, तो आज हमारे भी घर में सब लोग घर पे ही थे, तो दिन भर तो हम लोग घर पे रहे क्योंकि गर्मी बहुत थी और कहीं जाना नहीं हुआ। और शाम को हमने सोचा कि हम मम्मी को ज़रा सा बाहर टहला के लाते हैं, तो हम आ गए पास के मॉल में। और मॉल में भी था काफ़ी रश, लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए आए हुए थे। और दोस्तों, मॉल में खुली है एक न्यू शॉप आर्चीज गैलरी की, जहाँ पे गिफ्ट के काफ़ी सारे सामान हैं, तो मैं और मम्मी वहाँ पे सामान देखने लगे, ख़ास करके बच्चों के लिए। और उसके बाद मैं आ गई ग्रॉसरी स्टोर में मम्मी के साथ, और मैंने वहाँ से लिया सेंधा नमक और बाकी जो किचन की ग्रॉसरी होती है ज़रूरी, वो सारी चीज़ें। और मम्मी भी दालें वगैरह देख रही थी क्या चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि अगर वहाँ पे आप देखें तो वहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन दिख जाते हैं, ऐसे नहीं समझ में आता है कि क्या लें और क्या ना लें। आप भी बताइएगा कि आपके घर में ग्रॉसरी शॉपिंग कौन करता है, और जब आप शॉपिंग पे जाते हैं तो कई बार कितना कंफ्यूज़ होते हैं कि क्या लें और क्या ना लें, क्योंकि एक एक चीज़ के कई कई ऑप्शंस होते हैं। तो बस वही हम भी देख रहे थे कि क्या ज़रूरत की चीज़ है वो हम लें और क्या ना लें। और उसके बाद देखा हमने कि इतनी लंबी लाइन थी मैकडी में, और हम आ गए वहाँ से मैकडी, और वहाँ खाया हमने बर्गर और मैक पफ। ये दोनों चीज़ें पैक भी कराई भाइयों के लिए, और हमने और मम्मी ने एंजॉय किया, और फिर हम घर आ गए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।